Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार दर्शकों स्वयं प्रभा में आपका स्वागत है मेरा नाम डॉक्टर सुमिति आहूजा है और मैं विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूँ और मैं आपका संविदा विधि का कोर्स ले रही हूँ जिसमें दस सेशन है हम एक सेशन पूरा कर चुके हैं आज दूसरा सेशन दूसरा व्याख्यान करेंगे जिसका शीर्षक है समझौते का गठन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एन अग्रीमेंट आज के कवर किए जाने वाले विषय पहला कानूनी संबंध बनाने का इरादा यानी कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप फिर प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण यानी कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में हम क्या अंतर है वह डिस्कस करेंगे प्रस्ताव के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ ऑफर संचार स्वीकृति और प्रस्ताव और स्वीकृति का निरसन यानी कि संचार यानी कम्युनिकेशन स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस और प्रस्ताव माने ऑफर और स्वीकृति का निरसन निरसन यानी कि रिवोकेशन सो हम प्रपोजल एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन के केस में कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे फिर है प्रस्ताव के निरसन के तरीके जिसे हम मोड्स ऑफ रिवोकेशन कहते हैं फिर आएगा ई अनुबंध सबसे पहले कानूनी संबंध बनाने का इरादा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप यानी कि जब दो व्यक्ति या दो पार्टी किसी अनुबंध में बनते हैं तो ये बहुत जरूरी है हालांकि आपका धारा दस यानी कि सेक्शन टेन जो है भारतीय संविदा अधिनियम का वो ये कहीं नहीं लिखता ये कहीं नहीं वहां पर मैंशनड है कि पार्टीज uh, जो है या व्यक्ति जो हैं उनके बीच में कानूनी संबंध बनाने का इरादा अनिवार्य है पर ये है इसका मतलब ये है कि जब दो व्यक्ति ये तय कर रहे हैं कि उन्हें कोई अग्रीमेंट करना है यानी कि कोई समझौता करना है उसी वक्त से ही दोनों व्यक्तियों के दिमाग में ये इरादा ठाना हुआ होना चाहिए ये ठान लेना चाहिए उन्होंने कि इसके बाद अगर दोनों में से कोई भी एक अपना किया गया वादा उस अनुबंध के अंतर्गत नहीं पूर्ण करता तो दूसरा व्यक्ति कोर्ट जा सकता है कोर्ट से कानूनी उपचार प्राप्त कर सकता है जब हम ये कहते हैं कानूनी संबंध बनाने का इरादा तो ये कोर्ट में प्रूफ करना बहुत जरूरी होता है कि जब दो व्यक्तियों ने एक अनुबंध में बांधने की ठानी तब उन दोनों का ही इरादा था कि वे कानूनी संबंध से बंध जाएंगे देखते हैं वैध अनुबंध बनाने के लिए आवश्यक बातें भारतीय अनुबंध अधिनियम अठारह की धारा 10 यानी कि सेक्शन 10 के तहत बताई गई हैं। वे स्वतंत्र सह सहमति यानी कि फ्री कंसेंट सक्षम पक्ष यानी कि दोनों व्यक्ति जो है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए अनुबंध में बंधने के लिए वैध प्रतिफल यानी कि लॉफुल कंसिडरेशन वैध उद्देश्य यानी कि लॉफुल ऑब्जेक्ट और समझौते को स्पष्ट रूप से वॉइड घोषित नहीं किया जाना चाहिए यानी कि वह समझौता जो दो व्यक्तियों के बीच में हुआ है उसे कोई भी तरह का लॉ जरूरी नहीं भारतीय संविधान अधिनियम पर कोई भी दूसरा कोई भी लॉ उस अग्रीमेंट को, उस समझौते को वॉइड करार नहीं करता। ये भी बहुत आवश्यक है। अब आपने देखा, हमने पढ़ा फ्री कंसेंट, सक्षम पक्ष, कॉम्पिटेंट पार्टीज, वैध प्रतिफल, वैध उद्देश्य और समझौते के स्पष्ट रूप से वॉइड घोषित नहीं किए जाने की आवश्यकता। आपने देखा ये सारे जो चीजें हैं ये सब अनिवार्य है सब धारा दस के तहत बताई गई हैं पर आपको दिख रहा है यहाँ कहीं ये नहीं लिखा कि कानूनी संबंध बनाने का इरादा भी उतना ही आवश्यक है या अनिवार्य है पर वे है अनिवार्य क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे जो मैंने तीसरा पॉइंट यहाँ लिखा है वहां लिखा दिया है सामान्य अनुमान यानी कि प्रजांशन तो दो चीजें आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला ये कहा जाता है सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं सामान्य अनुमान यानी कि जनरल प्रशन का मतलब क्या होता है का का मतलब है है, कि ये चीज़ का एक 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 कर लिया जाता है, एक अनुमान लगा लिया जाता है कि इस तरह का अगर कोई समझौते है तो उनमें कोर्ट क्या मानेगा क्या प्रिज्यूम करेगा क्या अनुमान लगाएगा पर यह दूसरे व्यक्ति या दूसरे पार्टी के हाथ में है कि वो उस चीज को रिबट यानी उल्टा प्रूव कर सके कोई ऐसा एविडेंस कोर्ट में कोई ऐसा साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत करे जिससे कि जो दूसरे जो पहले व्यक्ति ने तथ्य रखे हैं कोर्ट में उसे उल्टा करार कर दिया जाए वो डिसप्रूव हो जाए तो यहाँ पर हम बात करते हैं सामाजिक समझौते या पारिवारिक व्यवस्था की तो ये कहा जाता है कि जब सामाजिक समझौते या पारिवारिक व्यवस्था यानी कि फैमिली अरेंजमेंट इन्वॉल्व है तो सामान्य अनुमान ये रहता है कि दो व्यक्ति जिनके बीच में ये सामाजिक समझौता या पारिवारिक व्यवस्था हुई है वे दोनों व्यक्तियों के बीच में कभी कोई कानूनी संबंध बनाने का इरादा था ही नहीं तो ये जनरल प्रजम्पन है पर दोनों में से कोई पार्टी जिसका जिसका राइट जो है वो इंटरफेयर हुआ है दूसरे व्यक्ति के द्वारा वे कोर्ट में जाकर ये प्रिजम्पन को ये जनरल प्रिजम्पन को डिसप्रूव कर सकता है दूसरा है वाणिज्यिक लेन देन या व्यावसायिक समझौते तो इसका मतलब यह है कि जहां पर कमर्शियल ट्रांजेक्शन जा जा आ जाती है जहां पे बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन आ जाती है वहां एक चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है वो ये है कि सामान्य अनुमान जब भी दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी आ, कोई भी वादे को लेकर अनुबंध के अनुबंध में लिखे कोई भी वादे को लेकर डिस्प्यूट हुआ कोई व्यक्ति कोर्ट गया तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जुड़ा हुआ जो अनुबंध होगा उसमें हमेशा सामान्य अनुमान यही रहेगा कि दोनों व्यक्ति जो है उनके बीच में शुरू से ही यानी कि जब से वो अनुबंध में बंधे हैं जब से उन्होंने वो समझौता किया और वह अनुबंध में बंधे तब से ही दोनों व्यक्तियों का इरादा था कानूनी संबंध बनाने का मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर कानूनी संबंध बनाने का मतलब ये होता है है कि दोनों व्यक्तियों को पता है कि दोनों में से कोई एक अगर अपना वादा पूरा नहीं कर सका अनुबंध के तहत तब दूसरा व्यक्ति उसे न्यायालय में ले जा सकता है कोर्ट ले जा सकता है और प्रार्थना कर सकता है कानूनी उपचार के लिए सेक्शन दस यानी कि धारा दस विशेष रूप से इरादे का उल्लेख नहीं करता है लेकिन एक वैध प्रस्ताव के लिए कानूनी नियमों में से एक है यही मैंने आपको बताया कि धारा दस में स्पष्ट रूप से ये लिखित नहीं है वहां लिखित नहीं है पर यह बहुत ही एक अनिवार्य कानूनी नियमों में से एक है इसीलिए जो ये आज का हमारा व्याख्यान है उसमें बहुत ही जरूरी था कि इसी से ही हम शुरुआत कर सके अंत में इस स्लाइड में मैंने दो केसेस लिखे हैं दो जजमेंट्स लिखी हुई हैं अगर आप देखें तो पहली है बालफोर बनाम बालफोर यानी कि बालफोर वर्सेस बालफर दूसरी है मेरिट बनाम मेरिट ये दोनों ही जो केस है दोनों ही पति और पत्नी के बीच में थे बालफर वर्सेस बालफोर भी और मेरिट वर्सेस मेरिट भी ये दोनों ही हस्बैंड और वाइफ के यानी कि पति और पत्नी के बीच में घटना घटी है पर दोनों में जो निर्णय कोर्ट ने दिया है उसमें एक में कोर्ट ने ये कहा है कि कोई जो समझौता जो पति-पत्नी के बीच में हुआ था, वह अनुबंध नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में कानूनी संबंध बनाने का इरादा नहीं था और उसी के विपरीत दूसरे केस में आप ये देखेंगे मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगी इन दोनों ही जजमेंट के बारे में तो आप ये देखेंगे कि दूसरे में कोर्ट ने यह कहा है कि चाहे वे पति पत्नी ही थे पर दोनों के बीच में शुरुआत से ही कानूनी संबंध बनाने का इरादा था अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच में दोनों ही केसेस में आखिर हुआ क्या था जो बाल्फर वर्सेस बाल्फर का जजमेंट है केस है उसमें दोनों पति पत्नी अपने जहां वह रहते थे, थे दूसरे देश में वे लोग छुट्टी मनाने गए इंग्लैंड में छुट्टी मनाने गए वहाँ जो पत्नी थी उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने उन्हें डॉक्टर ने बोला कि वे वापस अपने पति के साथ वापस जाने के लिए ठीक नहीं है और उन्हें यहीं रहना चाहिए जब तक वे पूर्ण तरह से ठीक नहीं हो जाती और उनकी सेहत ठीक नहीं हो जाती तो पति क्योंकि उन्हें छुट्टियों के बाद वापस अपनी आ, काम पे जाना था वापस से ज्वाइन करना था तो उन्हें जाना पड़ा पर हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक समझौता हुआ था जहां पर पति ने अपनी पत्नी को ये वादा किया कि जब तक पत्नी की सेहत ठीक नहीं हो जाती और वह वापस से अपने पति के साथ उनके साथ नहीं रहने योग्य वापस ठीक नहीं हो जाती और उनके पास नहीं चली जाती तब तक जो पति हैं वह हर महीने कुछ पैसे उनके लिए भेजते रहेंगे जिससे कि उनकी दवाई उनका रहना खाना पीना सबका ध्यान रखा जा सके थोड़े टाइम बाद थोड़े समय बाद जो पति पत्नी थे उनके बीच के रिश्ते खराब होने लगे पति ने जो वादा किया था अपनी पत्नी को जो पैसे हर महीने भेजने का वे उन्होंने भेजने बंद कर दिए अब पत्नी कोर्ट चली गई क्योंकि उन्होंने ये दावा रखा ये तथ्य रखा कि उनका हक था उन पैसों पे, क्योंकि उनके पति ने उन्हें वादा किया था कि वे हर महीने वो पैसे उन्हें भेजेंगे अब क्योंकि उन्होंने नहीं भेजे तो कोर्ट से वो प्रार्थना ये कर रही थी कि कानूनी उपचार इस तरह से दिया जाए कि जितना जो पैसा बकाया था वो भी और उसके साथ साथ अब आगे से हर महीने जब तक वो नहीं वापस जा सकती हस्बैंड उन्हें पति उन्हें वो पैसे जो वादा किया था वो देते रहे अब कोर्ट ने ये बोला कोर्ट ने बाल्फर बनाम बाल्फर में ये तय किया ये निर्णय लिया कि क्योंकि ये एक पारिवारिक व्यवस्था थी एक फैमिली अरेंजमेंट था हस्बैंड वाइफ के बीच में पति पत्नी के बीच में तो कोर्ट ने यह बोला कि यहाँ पर तो सामान्य अनुमान या जनरल यही रहती है कि कभी पत्नी और पत्नी और पति और पत्नी के बीच में कोई कानूनी संबंध बनाने का इरादा हो ही नहीं सकता तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए और इसके विपरीत कोई और एविडेंस या कोई और साक्ष्य रखा ही नहीं गया तो इसीलिए कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर कोई अनुबंध था ही नहीं तो इसीलिए जो पति थे उनके ऊपर कोई बर्डन या उनके पक्ष में ही कोर्ट ने निर्णय लिया कि उस कोई अनुबंध था ही नहीं जिसके अंदर जिसके अंदर दोनों ही जो व्यक्ति थे वे किसी भी वादे से बंधे हो अब उसी के विपरीत आप देखेंगे मेरिट बनाम मेरिट का जजमेंट मेरिट बनान बनाम मेरिट में भी वे दोनों हस्बैंड वाइफ ही थे पर यहाँ की घटना थोड़ी सी अलग है पिछले केस से यहाँ पर ये यह हुआ कि शुरू से ही पहले तो पति पत्नी जो थे वे एक प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर थे यानी कि दोनों दोनों आधे आधे हिस्सेदार थे भागीदार थे उस प्रॉपर्टी में अब दोनों अब पति और पत्नी के बीच के जो रिलेशन थे वे अच्छे नहीं थे दोनों के बीच में काफी अनबन थी और पति जो थे वे किसी और आ, किसी और लेडी के साथ आ, रहना चाहते थे उन्हें पसंद करने लगे थे और वे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते थे अब तो दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें ये तय किया गया कि क्योंकि जो उनकी प्रॉपर्टी थी जिसके वो दोनों भा, जॉइंट भागीदार थे दोनों ने ये तय किया कि अब उन्होंने वो प्रॉपर्टी मॉडगेज करी हुई थी तो तय हुआ कि अगर जो पत्नी है वो सारा जो पैसा बकाया है उस प्रॉपर्टी को लेके जो उन्होंने लोन लिया है जो भी पैसा बकाया है वो सारा बकाया अगर चुका देगी तो हस्बैंड जो है वो अपना जो शेयर था उनका जो हिस्सा था उस प्रॉपर्टी में वो भी अपनी पत्नी के नाम कर देंगे ये दोनों के बीच में समझौता हुआ अब पत्नी थोड़ी समझदार निकली उन्होंने क्या किया उन्होंने रिटर्न में ये चीज लिख दी ये लिखित में उन्होंने सारा लिख दिया जो भी तय हुआ दोनों के बीच में और अपने पति को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बोला ताकि आगे को वो मुकर ना सके आगे को अगर वो मुकरे तो ये डॉक्यूमेंट ये जो कागज है जिन पे उन्होंने अपने हस्ताक्षर दिए हैं, वो उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकेगा पति ने हस्ताक्षर कर दिए अब आगे जो पत्नी थी उन्होंने अपने किए गए वादे के अनुसार सारा जो सारा जो लोन लिया हुआ था वो सब चुका दिया सब बकाया जो था वो कर दिया निपटा दिया फिर उन्होंने अपने पति को बोला कि अब वो अपना किया हुआ जो वादा है वो पूरा करे उस अग्रीमेंट के अंदर अब जो पति थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया वो मुकर गए कि हमारे बीच में तो कोई अनुबंध ही नहीं हुआ था और तुम्हारा कोई राइट नहीं है नहीं तुम हमसे कुछ ले सकती हम नहीं करेंगे वो तुम्हारे नाम पे अब फिर से जो यहाँ पे पत्नी थी वे पहुंच गई न्यायालय कोर्ट पहुंच गई इंसाफ के लिए अब फिर यही प्रश्न कोर्ट में डिसाइड होना था कि क्या दोनों पति और पत्नी के बीच में जो भी समझौता हुआ क्या वो अनुबंध बन चुका था यानी कि क्या वो कानूनी संबंध बनाने का इरादा रखते थे जब उन्होंने जब वो उन्होंने समझौता किया था तो कोर्ट ने ये बोला कि देखिए बालफर बनाम बालफर और मेरिट बनाम मेरिट में ये अंतर है दो अंतर है पहला यहाँ पर बीवी ने पत्नी ने सब कुछ लिखित में ले लिया था और पति के हस्ताक्षर थे वहां पर ऐसा कुछ था नहीं बालफर में दूसरा यहाँ पर पति और पत्नी के जो जो रिलेशन थे वो कभी अच्छे थे ही नहीं जब उनके बीच में ये समझौता भी हुआ था तब भी पति जो थे वो अपनी पत्नी के साथ रहना ही नहीं चाहते थे वो उन्हें छोड़ के किसी दूसरी महिला के साथ रहना रहने जाना चाहते थे तो कोर्ट ने इस केस में पत्नी के पक्ष में निर्णय लिया था अब हम आते हैं प्रस्ताव का अर्थ और उसके एसेंशियल यानी कि अनिवार्यताएं। एक समझौता यानी कि अग्रीमेंट करने के लिए सबसे पहले दो तत्व यानी कि एलिमेंट सबसे आवश्यक है ये हम सब जानते हैं क्या है जिसे हम कहते हैं प्रस्ताव यानी कि ऑफर स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस तो कोई भी समझौते को एक अनुबंध बनने के लिए ये दोनों चीजें जरूरी है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यानी कि प्रस्ताव और स्वीकृति उससे भी छोड़िए अनुबंध भी छोड़िए एक समझौते का मतलब ही यही होता है कि एक ने प्रस्ताव रखा दूसरे ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया दो उसका मतलब ही अग्रीमेंट का मतलब यही है समझौते का मतलब यही है कि आपके दिए गए प्रस्ताव को मैंने एज इट इज ज्यो का त्यो स्वीकार किया है कल के सेशन में जो हमारा जो व्याख्यान संख्या एक थी उसमें हमने एंड में अंत, अ, अंत में डेफिनेशंस डिस्कस करी थी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने यह देखा था कि जो धारा टू ए है यानी कि सेक्शन टू ए है वो आपको बताता है कि प्रस्ताव का मतलब क्या होता है वे कहता है जब एक व्यक्ति दूसरे को कुछ भी करने या करने से रोकने की अपनी इच्छा का संकेत देता है तो इस तरह के कार्य या संयम के लिए उस दूसरे की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से उसे एक प्रस्ताव बनाने के लिए कहा जाता है इसका मतलब इतना है कि अगर मैं किसी सामने वाले दूसरे व्यक्ति के साथ किसी अनुबंध में बनना चाहती हूँ तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो मेरा प्रस्ताव है मैं उस व्यक्ति के समक्ष रखूँ उस तक उस, उस प्रस्ताव को पहुँचाऊँ जिससे कि वो उस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे सके क्योंकि जब तक वो प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देते तब तक समझौता होगा ही नहीं और समझौता नहीं होगा तो आगे अनुबंध हो ही नहीं सकता प्रस्ताव बनाने वाले व्यक्ति को प्रोमिसर कहते हैं और जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जाता है वह उसे हम प्रोमिसी कहते हैं ठीक है तो यहाँ प्रोमिसर है यहाँ प्रोमिसी जो व्यक्ति प्रस्ताव रख रहा है वो प्रोमिसर है वो वादा कर रहा है और जिस व्यक्ति के समक्ष वो प्रस्ताव रखा गया है उसे हम प्रोमिसी कहते हैं एक प्रस्ताव की अनिवार्यता यानी कि कानून के अंतर्गत एक प्रस्ताव के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है सबसे पहले तो दो पक्ष होने चाहिए ये तो अनिवार्य है ही है क्योंकि आप अपना प्रस्ताव सामने वाले के समक्ष रखेंगे तो ये दो पक्षों का होना बहुत जरूरी है जो प्रस्ताव रखे और सामने वाला जो उस प्रस्ताव को स्वीकार करे प्रस्ताव को ऑफरी को सूचित किया जाना चाहिए यानी कि देखिए मैंने आपसे पिछले व्याख्यान में भी ये चीज बोली थी कि जब हम चाहे ऑफर की बात करें एक्सेप्टेंस की बात करें यानी कि प्रस्ताव की बात करें या स्वीकृति की बात करें दोनों ही दोनों ही टाइम पे ये बहुत आवश्यक है दोनों ही चीजों में ये बहुत जरूरी है कि आपका जो निर्णय है या आपका जो प्रस्ताव है या जो प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय है वो आप सामने वाली पार्टी को सामने वाली पार्टी तक पहुंचाए कम्युनिकेट करें अगर कम्युनिकेशन नहीं है मैंने मन में ठान लिया कि हाँ इस व्यक्ति ने मुझे एक प्रस्ताव दिया है और वो प्रस्ताव मेरे हित पे है हित में है तो ये चीज मुझे जाननी जरूरी है कि सिर्फ मन में सोच लेना काफी नहीं है बहुत जरूरी है कि मैं सामने वाले को बताऊं कि हाँ जो उसने प्रस्ताव मुझे दिया है उसे मैंने स्वीकार किया है बिना कोई परिवर्तन किए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है और कम्युनिकेशन किसको करना है मैंने आपको एक प्रस्ताव दिया है तो आप उस प्रस्ताव को अगर स्वीकार कर रहे हैं तो आप किसको कम्युनिकेट करेंगे वो? आप उसी व्यक्ति को कम्युनिकेट करेंगे जिसने आपको वो प्रस्ताव दिया था उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके प्रस्ताव को स्वीकार करे क्योंकि आप उसके साथ एक समझौता करना चाहते हैं तब उतना ही जरूरी हो जाता है कि आप उसी ही व्यक्ति को जिसका जिससे चाहते आपकी वो स्वीकृति करे उस प्रस्ताव की उसी को ही ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि आखिर आप उसके साथ एक समझौता करना चाहते हैं और आपका प्रस्ताव ये है ऑफरी की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से प्रस्ताव किया जाना चाहिए ये तो आपकी धारा टू ए के तहत भी यही यही चीज लिखी है कि आप किसी के सामने प्रस्ताव क्यों रखते हैं किस लिए रखते हैं आप इसीलिए रखते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपके प्रस्ताव को स्वीकार करे वही चीज यहाँ पे लिखी है कि ऑफरी की सहमति प्राप्त करने के दृष्टि से प्रस्ताव किया जाना चाहिए केवल इच्छा की अभिव्यक्ति की पेशकश प्रस्ताव नहीं है मतलब ये कि मैं अगर किसी को ये बोलूं किसी दूसरे व्यक्ति को ये बोलूं कि मैं ना अपनी गाड़ी इतने रुपए में बेचना चाहती हूँ तो सामने वाला व्यक्ति क्या मुझे ये बोल सकता है हाँ मैंने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार किया नहीं मैंने तो उसको प्रस्ताव दिया ही नहीं मैंने बस बस अपनी अपनी इच्छा इच्छा जाहिर करी है बस अपनी इच्छा उसे बताई है कि मुझे अब अपनी गाड़ी नहीं रखनी मैं उसे बेच देना चाहती हूँ और इतना मूल्य है मैंने ऐसा सोचा है तो वही चीज हमने यहाँ लिखी है कि केवल इच्छा की अभिव्यक्ति की पेशकश ही प्रस्ताव नहीं होती क्योंकि एक जो ऑफर है जो एक प्रस्ताव आप सामने वाले को देते हैं वो बहुत ही क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए उसमें कोई घुमावदार यहाँ कोई पेच नहीं होने चाहिए आप चाहते हैं वो उसे स्वीकार करे तो आपको सीधा सीधा उसको वो प्रस्ताव देना है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी गाड़ी खरीदो या मैं अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहता हूं इतने दाम में क्या आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है स्पष्ट होना बहुत जरूरी है प्रस्ताव में प्रस्तावक द्वारा सकारात्मक कार्य या संयम शामिल हो सकता है मतलब ये है कि जब हम प्रस्ताव रखते हैं सामने वाले के साम, आ, सामने वाले के समक्ष तो जरूरी ये नहीं है कि हमेशा वो कुछ करने के लिए ही हो कि मैं आपको मैं आपके लिए ये काम करना चाहता हूँ यहाँ लिखा है कि पॉजिटिव एक्ट या एब शामिल हो सकता है मतलब यहाँ तो आप कुछ करें या आप ये वादा करें कि आप ये चीज नहीं करेंगे तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है या पॉजिटिव एक्ट जिसे सकारात्मक कार्य बोलते हैं या फिर संयम यानी यानी कि 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 आप आप वादा कर रहे हैं चीज नहीं करेंगे प्रस्ताव स्पष्ट और निश्चित शर्तों में होना चाहिए मैंने आपको पहले भी यही चीज बोली है कि बहुत जरूरी है कि जो आप प्रस्ताव रख रहे हैं किसी के समक्ष उसमें जो भी आप उसको प्रस्ताव देना चाह रहे हैं जो भी चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति के लिए करें या वो व्यक्ति आपके लिए करे आप बिल्कुल क्लियर बहुत ही स्पष्ट रूप से अपना प्रस्ताव उसके सामने रखेंगे आप अगर ये बोले जैसे कि आप एक उदाहरण देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ए बी को अपने सफेद घोड़े को हजार रुपए या पांच सौ रुपए में बेचने के लिए सहमत होता है यानी कि अग्रीमेंट टू सेल तो वो ये वादा करता है कि ठीक है मैं आपको अपना सफेद घोड़ा बेचना चाहता हूँ हजार या पाँच सौ में तो अब आप खुद बताओ हजार रुपए या पांच सौ रुपए में कितने में क्या ये कोई प्रस्ताव ठीक है कि मैं हजार रुपए या पांच सौ में बेचना चाहता हूं इसका उत्तर है कि नहीं ठीक है आपको बिल्कुल ही स्पष्ट और निश्चित शर्तों में अपना प्रस्ताव सामने वाले के समक्ष रखना चाहिए यानी कि आप उसे क्लियरली बोलेंगे हजार या पांच सौ केवल हजार या पांच सौ ऑप्शन नहीं देंगे आप उसको कि हजार रुपए या पांच सौ रुपए में से यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि दोनों में से कौन सी कीमत दी जानी थी यह प्रस्ताव वैध नहीं है क्योंकि यह निश्चित नहीं है यह निश्चित नहीं है क्योंकि एक अनसर्टेनिटी जिसे हम कहते हैं वो है क्योंकि पता ही नहीं है कि अगर ये व्यक्ति मुझे अपना सफेद घोड़ा बेच रहा है मैंने इसको देना क्या है हजार या पांच सौ रुपए प्रस्ताव ऑफरी के ज्ञान में होना चाहिए अब ये बहुत जरूरी है मेरा प्रस्ताव सामने वाला व्यक्ति तभी स्वीकार करेगा जब उसको मेरे प्रस्ताव के बारे में पता हो वही मैंने आपसे कहा कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है तो ये जो केस आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं लास्ट में लास्ट पॉइंट में लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त अब इस केस में क्या घटना घटी इस केस में ये हुआ कि एक व्यक्ति थे उनका भतीजा वो खो जाता है कहीं नहीं मिल रहा खो गया तो उनके उनके घर में उनके लिए या जो भी व्यक्ति काम करते थे इन व्यक्ति इन व्यक्ति ने इन्होंने अपनी उन लोगों की एक तरह से ड्यूटी लगा दी कि वे लोग बाहर जाएं और ढूंढ के लाएं बच्चे को तो वो सब चले जाते हैं जिनमें से एक ये आदमी भी होता है जो ढूंढने में समर्थ रहता है जो उस बच्चे को ढूंढ लेता है पर एक चीज है यहाँ पर जब ये सब लोग ढूंढने निकलते हैं बाहर उस बच्चे को उतने में ही उसके जो ये आ, चाचा होते हैं अंकल होते हैं वो एक आ, एक इनाम घोषित कर देते हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी जो भी कोई उस बच्चे की खबर उन तक पहुंचाएगा या उस बच्चे को वापस घर लेकर आएगा तो ये उस व्यक्ति को एक इनाम देंगे अब वापस से हम आगे बढ़ते हैं उसमें ये, कि ये जो आदमी उनके लिए काम करता था वो जाता है वो ढूंढ के ले आता है बच्चे को पर उसको पता नहीं था कि ऐसा कोई इनाम घोषित हुआ है उसे कोई जानकारी नहीं थी वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था क्योंकि वह उन व्यक्ति के लिए काम करता है तो वो लेकर आता है उस बच्चे को वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि कोई इनाम घोषित हुआ था अब आप सोचिए कि क्या वो ये इनाम मांग सकता है अपने मालिक से या जिनके लिए वो काम करता है क्या वो दावा रख सकता है कि इस इनाम पर उसका हक है है क्योंकि वो ही इकलौता व्यक्ति है जो उस बच्चे को घर वापस लाने में समर्थ रहा अब इसका उत्तर ये है जो आपको अपने स्क्रीन में लास्ट में दिख रहा है प्रस्ताव ऑफरी के ज्ञान में होना चाहिए तो ये आदमी जो ढूंढ के लेकर आया जो काम करता था उस बच्चे के चाचा जी के लिए उसे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ इनाम घोषित हुआ है तो जहां पर मुझे पता ही नहीं ऑफर के बारे में तो मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कैसे कर सकती हूँ तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में यही हुआ कि आपने प्रस्ताव दिया तो एक ऑफर दिया तो पर उस व्यक्ति को नहीं उस व्यक्ति को उसकी कोई खबर ही नहीं थी ठीक है तो इसीलिए अगर खबर ही नहीं थी तो मैंने अगर वो काम कर भी लिया तो मेरा कोई उसमें मैं उसमें कोई मांग नहीं रख सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उस प्रस्ताव के बारे में प्रस्ताव व्यक्त या निहित हो सकता है व्यक्त यानी कि एक्सप्रेस निहित यानी कि इम्प्लाइड प्रस्ताव व्यक्त या निहित हो सकता है मतलब कि आप किसी को अगर ऑफर रख दे रहे हैं प्रस्ताव दे रहे हैं तो ये वो लिखे वो शब्दों में भी हो सकता है लिखित या बोले गए मौखिक शब्द जिसे हम कहते हैं व्यक्त एक्सप्रेस यानी व्यक्त व्यक्त याने शब। की या निहित। निहित यानी शब्द शब्द यानी कि आपके हाव भाव आपका कंडक्ट जो है वो बताता है कि ऑफर है या नहीं है अब मतलब ये मैंने पिछले व्याख्यान में भी आपको एक उदाहरण दिया था जब हम यही बात कर रहे थे कि इम्प्लाइड भी हो सकता है निहित भी हो सकता है एक अनुबंध तो वहां पर वही है कि अब एक व्यक्ति अगर जा रहा है कहीं अपने परिवार के साथ खाने खाने पीने किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है तो रेस्टोरेंट में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है उसे वो देख के वो ऑर्डर दे रहा है जैसे ही वो ऑर्डर दे रहा है वो ऑफर है वो प्रस्ताव रख रहा है ठीक है वो ये नहीं कह रहा मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ क्या आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे वो ऐसा नहीं बोल रहा वो बस ये बोल रहा है कि भाई मैं आपके रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ तो हाँ भाई आपका मेन्यू कार्ड में ये ये चीजें लिखी हैं, मुझे इनमें से ये ये चीजें आप ला के दीजिए हम ग्रैंड करना चाहते हैं, हम खाना चाहते हैं उसे तो वो एक निहित प्रस्ताव है क्योंकि मैं अगर आपसे कुछ मंगवा रहा हूँ उसे खाऊंगा तो उसका दाम भी मूल्य भी जो बनेगा वो मैं आपको दूंगा तो उसका मतलब ये है और ये आपके भारतीय संविदा अधिनियम में धारा नौ में यानी कि सेक्शन नाइन में दिया गया है एक प्रस्ताव को प्रस्तावक पर स्वीकृति का बोझ नहीं डालना चाहिए इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप एक प्रस्ताव रखते हैं सामने वाले के सामने वाले के समक्ष तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाल सकते बोझ नहीं डाल सकते कि अगर मैंने आपको एक प्रस्ताव दिया है तो चाहे आप उसे मानना चाहते हैं या उसे नहीं मानना चाहते जो भी आपका निर्णय है आपकी ड्यूटी है कि आप वो मुझे बताएंगे तो यही चीज है एक प्रस्ताव को प्रस्ताव यहां पे हमारा प्रस्तावक से मतलब है ऑफरी एक प्रस्ताव को यानी कि ऑफर को ऑफरी पर एक्सेप्टेंस का बोझ नहीं डालना चाहिए मैंने यहाँ पे एक जजमेंट लिखी है आप देख सकते हैं फेल्ट हाउस बनाम बिंदले मैं अगर आप उस, आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊ तो यहाँ पर भी यही था एक अंकल और नेफ्यू यानी कि एक चाचा भतीजा के बीच में ये एक केस है अब इसमें ये हुआ चाचा भतीजा के बीच में नहीं है ये केस पर चाचा और भतीजा के बीच में कुछ ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से ये केस हुआ अब वो घटना ये है कि जो भतीजा था जो नेफ्यू था उसके पास एक घोड़ा था अब वो घोड़ा उसके अंकल को यानी कि चाचा जी को बड़ा पसंद था वो उस घोड़े को अपने भतीजे से खरीदना चाहते थे और उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा एक प्रस्ताव रखा भेजा पत्र एक पत्र लिखा और एक प्रस्ताव भेजा अपने भतीजे को उसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं आपका घोड़ा इतने में खरीदना चाहता हूँ और अगर आपने इस मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं दिया मुझे आप इस पत्र का कोई जवाब नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है इसका मतलब ये है यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर आपको नहीं मानना मेरा प्रस्ताव तो आपको मुझे ये इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते और आपने मन में सोच लिया है कि नहीं आपको ये प्रस्ताव नहीं अच्छा लगा आपके लिए घाटे का सौदा है तो आप नहीं उसे मानना चाहते तो अगर आप नहीं मानना चाहते और आपने सोच लिया कि मैं जवाब ही ना दूं तो यहाँ पर बिंडले में ये था कि 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 उसके अंकल ने बोला कि अगर आप नहीं जवाब देंगे तो मैं ये समझूंगा कि आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया है और वो घोड़ा तब से मेरा हो जाएगा अब यहाँ पर थोड़ी अलग ही घटना घटी जो भतीजा था जो नेफ्यू था उससे अपने अंकल का प्रस्ताव मंजूर था वो उनसे वो घोड़ा उन्हें वो घोड़ा बेचना चाहता था उसे कोई दिक्कत नहीं थी पर उससे एक चूक जो ये हुई कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कम्युनिकेशन की कि आपको सामने वाले को बताना जरूरी है कि आप उसके सामने एक प्रस्ताव रख रहे हैं और बहुत जरूरी है उस व्यक्ति का भी कि अगर वो प्रस्ताव स्वीकार कर रहा है तो वो आपको आप ही को जिसने वो प्रस्ताव दिया था उसको वो इन्फॉर्म करे या बताए कि मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है अगर आप नहीं बताते तो कोई समझौता हुआ ही नहीं तो समझौता नहीं तो कोई अनुबंध ही नहीं तय तो कर लिया कि हाँ वो घोड़ा अपने अंकल को ही बेचेगा पर उसने अपने अंकल को कभी भी ये बात बताई ही नहीं उसने अपने अंकल को नहीं बताया ये चीज सीधा कि मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है उसने अपने ऑक्शनियर को अब ऑक्शनियर आपने ऑक्शन शब्द तो सुना ही होगा ऑक्शन का मतलब ये होता है कि कोई चीजें हैं उनके उनके लिए उनके मोल लगाए जाते हैं दाम लगाया जाता है, है बिडिंग होती है जिसका बिड जो है या जिसने जो दाम लगाया है वो सबसे ज्यादा दाम है तो उसको वो चीज़ बेच दी जाती है उसको वो चीज दे दी जाती है और उससे वो दाम ले लिया जाता है तो ये होता है ऑक्शन में अब जो जो भतीजा था उसका जो ऑप्शन था भतीजे ने बोल दिया कि भाई आप जो ऑक्शन करने वाले हो मेरे जो 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 फार्म पे जानवर है उनकी जो आप ऑक्शन करने वाले हो उसमें कृपया करके इस घोड़े को मत रखना क्योंकि ये घोड़ा मैं बस अपने अंकल को बेच रहा हूं मैंने ये तय कर लिया है इसको आप ऑक्शन में मत इसकी नीलामी मत करना ऑक्शन मत करना ऑक्शन माने नीलामी मत करना पर उस व्यक्ति से उस ऑप्शन ईयर से ये गलती हो गई कि जबकि उसे बोला भी गया था फिर भी उसने वो घोड़े को घोड़े का ऑक्शन कर दिया उसने उस घोड़े का ऑक्शन कर दिया घोड़ा बिक गया अब अंकल ने ये जो ऑक्शनियर था जो उनके भतीजे के लिए काम कर रहा था उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ केस कर दिया उसके खिलाफ केस कर दिया ये केस किया कि भाई वो घोड़ा मेरा था और इसने उसको बेच दिया है तो इसने मेरी जो प्रॉपर्टी है मेरी चीज जो है जो मुझे बिलोंग करती है उसको मुझसे पूछे बिना बेच दिया है तो ये व्यक्ति मुझे अब अब उसका उसकी भरपाई करेगा अब ये अगर अगर अंकल के फेवर में अगर अंकल के आ, हित में अगर डिसीजन कोर्ट ने देना है तो ये बहुत जरूरी है प्रूव करना कि वो घोड़ा जो था कानूनी रूप से अंकल का हो चुका था अब हमें ये देखना है कि अब कानूनी रूप से हो गया था उसके लिए ये साबित करना जरूरी है कि जो अंकल और ने बहुत जरूरी है कि जो प्रस्ताव रखा गया था भतीजे के समक्ष उसने उस प्रस्ताव की स्वीकृति अपने अंकल को ही दी सीधा जो इस केस में हुआ नहीं था नहीं हुआ था इसीलिए कोर्ट ने यह कहा कि अंकल जो थे जो इस केस में जो ये दावा रख रहे थे कि वो घोड़ा उनका था कानूनी रूप से कोर्ट ने ये बोला कि वो घोड़ा उनका नहीं था नहीं था क्योंकि भतीजे ने कभी भी उनको ये अपनी स्वीकृति बताई ही नहीं उन तक वो बात ही नहीं पहुंचाई तो कोर्ट ने ये बोला कि वो घोड़ा उनका नहीं था और जो ऑक्शनियर ने अगर घोड़े को नीलाम कर भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा जो नेफ्यू था वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है बट इन अंकल का कोई हक या कोई राइट नहीं था कि वो ऑक्शन के खिलाफ कुछ भी उपचार कोर्ट से मांग सके प्रस्ताव केवल पेशकश करने के लिए निमंत्रण से अलग है यानी कि एक ऑफर जो है वो इनविटेशन टू ऑफर से काफी अलग है आप किसी भी किताब को उठा के देख लेंगे आप देखेंगे हमेशा कि ये अंतर है बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है एक ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में ऑफर का मतलब ये है कि मैं सीधा सीधा आपके सामने प्रस्ताव रखू कि मुझे आप मुझे ये मैं एक दुकानदार के पास आ, मैं एक दुकानदार नहीं छोड़िए मैं किसी एक व्यक्ति को बोलूँ कि भाई आपके पास ये जो किताब है ना ये किताब अब और कहीं नहीं मिल रही ये अब छपनी बंद हो चुकी है बहुत ही अच्छी क्लासिक एक ये नॉवल है आप तो पढ़ चुके हो क्या आप मुझे ये बेचोगे मेरे पास एक बहुत बड़े मेरा जो पुस्तकालय है उसमें मैंने बहुत अच्छी कलेक्शन रखी हुई है और ये मेरे पुस्तकालय की शोभा बढ़ाएगी तो ये किताब आप मुझे दे सकते हैं। अब ये मैंने रखा है सामने वाले के समक्ष प्रस्ताव वो चाहे तो वो किताब मुझे बेच दे अगर नहीं बेचना चाहता मना कर देगा मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा तो मेरा उसे ये बोलना कि भाई आपकी ये जो किताब है क्या कि आप वो मुझे बेचेंगे वो प्रस्ताव है अब जब हम कहते हैं पेशकश करने के लिए निमंत्रण यानी कि प्रस्ताव रखने के लिए निमंत्रण मतलब उसका ये कि जैसे आप सोचिए कि आप किसी दुकानदार के पास गए किसी किराने की दुकान पे गए अब उस किराने की दुकान पे आपने जो दुकानदार है उसको ये बोला कि आपको एक लिस्ट है आपको ये चीजें चाहिए ठीक है अब अब वो व्यक्ति आ, अब वो चीजें आपको दिख रहा है कि उसकी दुकान में सामने आपको दो चीजें चाहिए थी और वो दोनों चीजें आपको दिख रहा है कि जो उसका जो काउंट जो जो आ, शेल्फ बना हुआ है वहां पर वो दोनों चीजें रखी हुई हैं ठीक है थीके? आपने उसको ये प्रस्ताव दिया कि भाई मैं आपसे ये चीज खरीदना चाहता हूं उसने मना कर दिया अब आप ये कहते हो कि आपने सामने वो चीज रखी है वो ऑफर है आपका मैंने तो बल्कि आपका ऑफर एक्सेप्ट किया है इसका जवाब है कि नहीं ऐसा नहीं है उस व्यक्ति ने उस दुकानदार ने जो चीजें अपने डिस्प्ले पे रखी हैं उसे हम कहते हैं प्रस्ताव के लिए निमंत्रण कि आप चाह रहे हैं कि सामने वाला आए व्यक्ति और आपके समक्ष प्रस्ताव रखे आपने वो चीजें सजा के रखी है उसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को प्रस्ताव दे रहे हैं आप सामने वाले को निमंत्रण दे रहे हैं कि वो प्रस्ताव रखे अपना और फिर आपके ऊपर है कि आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या नहीं वही चीज है तो दुकानदार ने सामान रखा है ये भी हो सकता है ना कि वो जो सामान है उसकी जो एक्सपायरी डेट है जा चुकी हो वो चीज खराब हो गई हो या वो एक ही उसके पास पीस पड़ा हुआ और वो भी किसी ने उसके लिए ऑर्डर दे दिया हो तो वो नहीं आपको बेच सकता तो ये चीज है प्रस्ताव तब है इस इस पूरे एग्जाम्पल में उदाहरण में प्रस्ताव तब है जब मैं उस दुकानदार को ये बोल रही हूँ कि मुझे आप मुझे ये चीज बेच दीजिए मुझे ये चीज खरीदनी है आपसे वो प्रस्ताव है जो दुकानदार ने डिस्प्ले में चीज रखी है वो प्रस्ताव के लिए निमंत्रण यानी कि जिसे हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर कहलाता है ये डिफरेंस आप दोनों आप, आप लोगों को पता होना इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत जरूरी है अब आगे ही हम इस टॉपिक को विषय को और डिटेल में डिस्कस करते हैं प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण यह एक अच्छी यह एक अच्छी तरह स्थापित सिद्धांत है कि केवल तथ्य ये है कि एक दुकानदार माल को उजागर करता है जो जनता को इंगित करता है कि वह पेशकश करने के लिए तैयार है इसका मतलब यह है कि कोई दुकानदार कोई शॉपकीपर अगर अपने गुड्स या अपने पास रखी हुई जो चीजें हैं वो एक्सपोज करता है डिस्प्ले पे रखता है तो उस डिस्प्ले पे रखना जो है प्रिंसिपल स्टेब्लिश है क्लियर है वो ये है कि उसको रखना सिर्फ प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया बेचने की बेचने के प्रस्ताव की राशि नहीं है क्योंकि कई बार आप देखते हैं आप जैसे ये बड़े बड़े जो रिलायंस फ्रेश या इस तरह की जगहों पे जाते हैं जहां पर सब चीजें काउंटर में पड़ी है आपको एक बास्केट दे दी जाती है आपको यहाँ ट्रॉली दे दी जाती है आपको जो खरीदना है सामान रैक पर से उठाइए और उसमें रखते चलिए वहां पे दाम भी बड़े स्पष्ट रूप में लिखा होता है कोई डिस्काउंट होता है वो भी बड़े सीधा सीधा सामने लिखा होता है ठीक है तो यहाँ पर ये लिखा है कि अगर वो जो राशि सामने लिखी है या सामान वहाँ पड़ा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो दुकान वाला है या जिसका वो बड़ी दुकान है वो आपको या जो शॉप है वो आपको प्रस्ताव दे रहा है वो आपको इनविटेशन दे रहा है कि आप अपना प्रस्ताव मेरे समक्ष रखिए फिर मैं देखता हूं मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं या नहीं प्रस्ताव खरीदने का प्रस्ताव है बेचने का प्रस्ताव नहीं है यानी कि जो यहाँ पे ऑफर है वो ऑफर टू बाय है ऑफर टू सेल नहीं है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जो एक दोनों के बीच में जो डिफरेंस है प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण के बीच में जो डिफरेंस है उसको बहुत डिटेल में बताता है केस का नाम आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाम बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड अब इस केस में ये था कि इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया भाई रिलायंस फ्रेश हो गए या इस तरह की जो दुकानें होती हैं जहां पर सारी चीज है सब कुछ वहां पे आप जाके दुकान से कैशियर से मांगते नहीं हो वो बोलेगा कि वहां पड़ी है सामने आप वहां से उठा के ले आइए मैं यहाँ आपकी बिलिंग कर दूंगा ठीक है तो इस तरह की कोई बड़ी दुकान राशन की दुकान सब होता है उसमें तो आप वो ये यह यहाँ पर ऐसा था कि एक दुकान में एक काउंटर में रैक में दवाइयां पड़ी थी अब वो दवाइयां ऐसी थी कि जब तक कि आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है ये केमिस्ट आपको वो दवाई नहीं बेच सकता ये जो शॉप है वो आपको वो दवाई नहीं बेच सकती अब ये जो शॉप थी जो ये बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड जो इनकी दुकान थी यहाँ वहां पर इन्होंने कैशियर के साथ में ही एक फार्मासिस्ट एक केमिस्ट को बिठाया हुआ था वो क्या करता था कि अगर कोई व्यक्ति वहां रैक से डिस्प्ले से वो दवाई उठा के लेकर आया तो वो जो फार्मासिस्ट या केमिस्ट था वो देखता था कि इस व्यक्ति के पास जो ये चीज जो ये दवाई खरीदना चाह रहा है क्या इसके पास डॉक्टर की लिखी गई प्रिस्क्रिप्शन है क्या ये दवाई जो है ड्रग जो है उसको प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने अगर किया हुआ है तो बेच दी जाएगी अगर नहीं किया हुआ है तो जो केमिस्ट है वो मना करेगा और कैशियर आपको वो चीज आपका प्रस्ताव जो है वो स्वीकार करने से मना कर सकता है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर भी यही हुआ था यहाँ पर यही है इस केस में मेनली ये देखना था कि किस स्टेज पे आप बोलेंगे कि ऑफर है किस स्टेज पे आप बोलते हैं कि सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है बेसिकली दोनों के बीच का जो अंतर है उसे सामने रखा गया तो जब आप वो रैक से चीज उठा के कैश काउंटर पे लेके जा रहे हैं वो आपकी तरफ से दिया गया प्रस्ताव है जो चीज वहां रैक पे पड़ी है वो दुकानदार की तरफ से आपको एक न्योता है आपको एक निमंत्रण है कि आप अपना प्रस्ताव उसके समक्ष रखें उसको वो प्रस्ताव मंजूर है वो उसे स्वीकार करेगा उसने स्वीकार किया समझौता हुआ समझौता हुआ और अगर सेक्शन टेन के सारी जो आवश्यक चीजें जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरी अगर होती हैं तो एक अनुबंध बन जाता है आपको ये चीज याद रखनी जरूरी है मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एक क्रक्स दे दिया पूरा पेशकश करने के लिए निमंत्रण का अर्थ है यानी कि इनविटेशन टू ऑफर का अर्थ है एक व्यक्ति का इरादा दूसरों को एक प्रस्ताव बनाने के लिए आमंत्रित करना और एक समझौते में प्रवेश करने की दृष्टि से एक प्रस्ताव जब स्वीकार किया जाता है तो एक समझौता बनता है यानी कि एक्सेप्टेड ऑफर या एक्सेप्टेड प्रपोजल इज इक्वल टू अ प्रॉमिस या अग्रीमेंट जबकि प्रस्ताव का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया जा सकता है मतलब यह है कि अगर आप एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो वह एक समझौता बन गया और समझौता आगे जाके अनुबंध बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है पर जो इन्विटेशन टू ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता स्टेजेस होती हैं ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट अब आप बात कर रहे हैं इन्विटेशन टू ऑफर तो इनविटेशन टू ऑफर तो ऑफर से भी पहले आता है इन्विटेशन टू ऑफर फिर ऑफर आता है फिर एक्सेप्टेंस होती है फिर प्रोमिस होता है अग्रीमेंट होती है और कॉन्ट्रैक्ट होता है इस तरह से आपको याद रखना जरूरी है तो इन्विटेशन टू ऑफर जो है वो offer से पहले आता है एक जजमेंट आप देख सकते हैं हार्वे फेसी ये जो एक केस था ये इसी चीज पे बेस्ड है कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में अंतर क्या है एक एक सज्जन दूसरे से एक उनकी एक प्रॉपर्टी फार्म उनका खरीदना चाहते थे और उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा जो ओनर थे उस प्रॉपर्टी के उनको एक टेलीग्राम भेजा टेलीग्राम में ये लिखा कि भाई आपकी जो ये प्रॉपर्टी है इसका जो सबसे लोएस्ट प्राइस जो है वो आप क्या कोट कर रहे हैं मुझे बताइए लोएस्ट प्राइस क्या है कोटेशन क्या, क्या है दूसरा उन्होंने ये लिखा क्या आप ये चीज मुझे क्या आप ये अपना फार्म मुझे बेचना चाहेंगे अब जो ओनर था उन्होंने इन दो पूछे गए प्रश्नों में से एक का उत्तर दिया दूसरे का उत्तर नहीं दिया उसने ये लिखा कि इसका जो लोएस्ट प्राइस है वो इतना है समझिए है, एकस है, अमाउंट इतना प्राइस है अब सामने वाला व्यक्ति ने बोला उसको दोबारा आगे टेलीग्राम लिख दिया कि ठीक है मैं आपका ये जो तीसरा टेलीग्राम है पहला टेलीग्राम है वो सवाल पूछ रहा है दो दूसरा टेलीग्राम जो है वो ओनर की तरफ से आ रहा है जिसमें वो एक सवाल का उत्तर दे रहा है तीसरा टेलीग्राम वापस से जिसने वो पहला टेलीग्राम लिखा था दो प्रश्न पूछते हुए उसकी तरफ से जाता है जिसमें वो ये लिखता है कि ठीक है मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है मतलब जो आपने लोएस्ट प्राइस मुझे लिख के भेजा दूसरे टेलीग्राम में मैं उसे स्वीकार करता हूँ और अब आपकी ये प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ तो जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं जो भी कानूनी कार्रवाई है जो भी बनेगा डॉक्यूमेंट आप उसे करिए तो वो व्यक्ति कहता है उसने आप बिल्कुल बेचने से मना कर दिया उसने कहा मैंने कहा बोला कि मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ या मैं इतने ही दाम में बेचूंगा आपने मेरे से पूछा कि लोएस्ट प्राइस क्या है मैंने आपको लोएस्ट प्राइस बता दिया कम से कम लोएस्ट माने कम से कम क्या दाम आप इस प्रॉपर्टी का आ, बता रहे रख रहे तो आपने तो उसी पे मुझे तो अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिए दर्शकों की जब हम ऐसे जब भी हम ये काम करते हैं हम किसी से अगर लोएस्ट प्राइस पूछते हैं और वो हमें बताए उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोएस्ट प्राइस में हमें बेचना चाह रहा है वो ऑफर दे रहा है वो आपको एक इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है मतलब आपने उससे दो प्रश्न पूछे जब उसने आपको लोएस्ट प्राइस बताया वो उसकी तरफ से दिया गया आपको एक निमंत्रण है एक इन्विटेशन टू ऑफर है ठीक उसके बाद जब इसने आपको जो लोएस्ट प्राइस बताया वो इन्विटेशन टू ऑफर हो गया उसका मतलब बस इतना है कि वो व्यक्ति बेचने को तैयार है प्रोवाइडेड उसको उसका अच्छा दाम मिल जाए लेकिन इससे कम दाम नहीं होना चाहिए ये लोएस्ट प्राइस है मतलब बस इतना कि मैं वाद विवाद के लिए तैयार हूँ आपको अगर कुछ मतलब लेन देन कर सकते हैं बट आपको मेरे साथ जो भी नेगोशिएशन जिसे आप कहते हो वो करेंगे मैं तैयार हूँ प्रॉपर्टी बेचने के लिए उसका मतलब ये नहीं कि उसी दाम में बेचने के लिए बस इसका ध्यान थोड़ा रखना जरूरी है तो इस केस में भी कोर्ट ने यह बोला कि जब उस ओनर ने सिर्फ आपको लोएस्ट दाम लिख के भेजा था उसका मतलब ये था कि वो बेचने बेचना चाह रहा है ये नहीं कि आप ही को बेचना चाह रहे और इतने में ही बेचना चाह रहे मतलब वो सिर्फ एक प्रस्ताव के लिए आमंत्रण था वो आमंत्रण नहीं था जिसे आपने तीसरे टेलीग्राम में लिखा कि मुझे स्वीकार है वो आमंत्रण नहीं था ऑफर के प्रकार टाइप्स ऑफ उफ ऑफर एक्सप्रेस प्रस्ताव हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है कि एक्सप्रेस ऑफर यानी कि शब्द मतलब लिखे हुए या बोले गए तो या तो आप लिख के उसको ऑफर भेजिए अपना लेटर ईमेल जैसे भी करके या फोन पे बताइए जो भी वो आपका एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स क्लियरली रिटर्न और स्पोकन निहित प्रस्ताव इज इंप्लाइड ऑफर निहित प्रस्ताव माने इम्प्लाइड ऑफर जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया विशिष्ट प्रस्ताव ये बहुत जरूरी है कि आपको विशिष्ट प्रस्ताव और सामान्य प्रस्ताव के बीच का अंतर पता हो विशिष्ट प्रस्ताव माने कि एक मैं और एक सामने वाला दूसरा व्यक्ति है और मैं उसी व्यक्ति के साथ एक अनुबंध में बंधना चाहती हूँ मैं, मैं मैं जो प्रस्ताव दे रही हूँ वो उसी व्यक्ति के लिए है मैं चाहती हूँ कि वही व्यक्ति उसे वही व्यक्ति विशेष उसको स्वीकार करे जिससे कि हमारे बीच में आगे समझौता हो और अनुबंध बने बहुत जरूरी है उसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रस्ताव क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है सामान्य प्रस्ताव यानी कि जनरल ऑफर मतलब आपने जनरली बोल दिया कि हाँ भाई आप अपनी गाड़ी इतने में बेचना चाहते हैं आप किसी एक को नहीं बोल रहे जैसे लालवन शुक्ला गौरी दत्त का हमने जजमेंट देखा उसमें क्या था उसमें लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में ये हुआ कि उस आ, उ, उन सज्जन का जो भतीजा था वो गुम हो गया तो उन्होंने अखबार में एक इश्तहार दे दिया इनाम घोषित कर दिया जिसमें कि भाई जो भी ढूंढ के लेकर आएगा अ वो उसको जो भी बच्चे को ढूंढ के लेकर आएगा या उसके बारे में जानकारी देगा उसको वो इनाम मिल, मिल जाएगा ठीक है तो अब किसी एक व्यक्ति को तो नहीं दिया गया वो ऑफर किसी एक व्यक्ति को प्रस्ताव नहीं दिया गया वो प्रस्ताव सबको दिया गया है अब जो भी व्यक्ति सामने आता है और उस प्रस्ताव में दी गई कंडीशंस को पूरा करता है वो व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है और उसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा यह चीज ध्यान रखिएगा काउंटर ऑफर सी, यह ध्यान रखो आपकी जब हम ऑफर की बात कर रहे हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए घुमावदार नहीं होना चाहिए कि भाई मैं आपको यह चीज में यह चीज बेचना चाहता हूं और कितने की बेचना चाहता हूं यह क्लियर करना जरूरी है कौन सी चीज किसको बेचना चाहता हूँ कितने की बेचना चाहता हूँ जरूरी है काउंटर ऑफर ये कहता है कि जैसे मैंने सामने वाले के समक्ष प्रस्ताव रखा कि मैं आपको अपनी गाड़ी एक लाख में बेचना चाहती हूँ सेकेंड हैंड गाड़ी है उससे ज्यादा मुझे मिलेगा मैं एक लाख में बेचना चाहती हूँ जानती हूँ आपको तो कोई बात नहीं और जाना चाहती हूँ देश छोड़ के जा रही हूँ तो सामान बेचना ही है तो ये गाड़ी मैं आपको एक लाख में बेचना चाहती हूँ आप कहते हो एक लाख में नहीं नब्बे हजार में तो जो आप नब्बे हजार बोल रहे हो वो कोई आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रहे आप मुझे उल्टा एक काउंटर प्रस्ताव दे रहे हो काउंटर ऑफर दे रहे हो उससे क्या मैंने आपको कहा एक लाख में बेचना चाहती हूँ आपने कहा मैं नब्बे हजार में खरीदना चाहता हूँ उसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा दिया गया प्रस्ताव था एक लाख का वो अब खत्म हो गया उसकी कोई वैल्यू नहीं रही वो अब खत्म है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता खत्म अब आपके द्वारा प्रस्ताव रखा गया है फ्रेश जिसे हम काउंटर ऑफर कहते हैं कि आप मेरी गाड़ी नब्बे हजार में खरीदना चाह रहे हो ठीक है और एक और एक और टाइप ऑफ ऑफर ऑफर है है एक प्रकार का जिसे हम क्रॉस ऑफर कहते हैं एक क्रॉस ऑफर तब होता है जब दो पक्ष एक दूसरे के समान प्रस्ताव देते हैं जिसमें कोई भी पक्ष दूसरे के प्रस्ताव से अवगत नहीं होता है आप दोनों एक दूसरे को प्रस्ताव दे रहे हैं वो प्रस्ताव क्रॉस कर रहा है बट आप दोनों जानते ही नहीं कि आप दोनों ने एक दूसरे को सेम exactly प्रस्ताव दिया है इस मामले में कोई स्वीकृति नहीं है क्योंकि मैंने भी आपको ऑफर दिया आप भी मुझे ऑफर दे रहे हो वही सेम ऑफर क्योंकि दोनों पक्ष एक ही समय में प्रस्ताव बना रहे हैं और ना ही दूसरे के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अवसर मिला है स्वीकृति अर्थ और कानूनी नियम यानी कि एक्सेप्टेंस मीनिंग एंड लीगल रूल्स सेक्शन टू बी जो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो बताता है कि एक्सेप्टेंस क्या होता है यानी कि जो आपने ऑफर दिया सामने वाले को उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है एक स्वीकृति एक प्रस्ताव के जवाब में होनी चाहिए यह निर्धारित मोड में ही होनी चाहिए यानी कि प्रिस्क्राइब मोड यह उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसे प्रस्ताव दिया गया है यह सब मैं आपको पहले बता चुकी हूं यह या अयोग्य यानी कि अनक्वालिफाइड और बिना शर्त होना चाहिए मतलब अनकंडीशनल होना चाहिए काउंटर ऑफर नहीं दे रहे आपको एक्सेप्ट करना है सेक्शन थ्री और सेक्शन फोर जो है जो आपके भारतीय संविधान अधिनियम में दिए गए हैं वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजल रिवोकेशन के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक्सप्रेस इम्प्लाइड और जो धारा चार है यानी कि सेक्शन फोर है वो बताती है कि संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है यानी कि एक ऑफर कब कम्युनिकेट होता है कब कम्युनिकेट कम्युनिकेशन उसका पूरा होता है एक एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब पूरा होता है और एक रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब पूरा होता है ये आपके स्क्रीन पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही फेमस केस है आप इसे जरूर पढ़िएगा भगवान दास गोवर्धन दास के पुरुषोत्तम कंपनी इसमें ये जो केस है डील करता है संचार के तात्कालिक तरीकों में स्वीकृति के संचार पर ऐतिहासिक मामला यानी कि इंस्टेंटेनियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं जैसे कि टेलीफोन था यहाँ पर उसमें जो स्वीकृति है वो कैसे दी जाती है कब पूरी होती है ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि निरसन यानी कि रिवोकेशन का क्या अर्थ है उसके प्रकार आ, क्या है, प्रकार से ज्यादा तो मैं आपको ये बोलूंगी कि तरीके क्या है मोड्स क्या है कैसे रिवोक कर सकते हैं आप रिवोक रिवोक का मतलब यह है कि आपने ऑफर दे दिया उस ऑफर को आप वापस लेना चाहते हैं एक्सेप्टेंस दे दी वापस लेना चाहते हैं वो हो सकता है निरसन की सूचना का संचार नोटिस ऑफ रिवोकेशन देकर समय की कमी आप आपको सामने वाले ने ऑफर दिया आपने इतनी इतना टाइम लगा दिया उसको एक्सेप्ट करने में टाइम खत्म हुआ ऑफर लैप्स हो गया स्वीकृति के लिए पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने के लिए स्वीकारता की विफलता यानी कि मैंने आपको मोड प्रिस्क्राइब किया था कम्युनिकेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए आपने वो माना ही नहीं है प्रस्तावक की मृत्यु पागलपन यदि उस मृत्यु या पागलपन का तथ्य स्वीकृति से पहले स्वीकृत स्वीकर्ता के ज्ञान में आता है यानी कि मैंने आपको जो ऑफर दिया था आपने एक्सेप्ट आप उसे करते उससे पहले ही ऑफर देने वाला व्यक्ति या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या वो ऑफ अनसाउंड माइंड हो जाता है तब उस केस में नॉलेज होते हुए कि वो उसकी मृत्यु हो गई है या अब वो अनसाउंड माइंड हो गया है तब उस केस में ऑफर जो था वो रिवोक हो गया खत्म हो गया कोई प्रस्ताव एग्जिस्ट ही नहीं करता आखिरी चीज है ई कॉन्ट्रैक्ट्स बस दो पॉइंट मैं आपको इस पे बताना चाहती इससे पहले हम ये खत्म करें कि एक एक ई अनुबंध को समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लेन देन के लिए पार्टियों के बीच भौतिक बैठकों के बजाय यानी कि फिजिकल प्रेजेंस के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है ई अनुबंध ई कॉमर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसके जो भी प्रिंसिपल्स उसको गवर्न करते हैं वो सब सेम है जो भारतीय संविधा अधिनियम में दिए गए हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध में प्रस्ताव को सूचित किया जाता है जब ये ऑफरी के कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है और स्वीकृति तब पूर्ण होती है जब ये ऑफरर के सिस्टम में प्रवेश कर चुकी होती है और जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके सेक्शन टेन ए के अंतर्गत लीगल वैलिडिटी दी गई है ई e कॉन्ट्रैक्ट्स को इसी के साथ मैं आज का व्याख्यान समाप्त करती हूँ धन्यवाद